तो दोस्तों फाइनली हम सबका इंतजार खत्म हुआ। जिस चीज को लेकर हम लोग इतने दिनों से कंफ्यूजन में थे, अब वो कंफ्यूजन दूर हो गई है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ओ माय गॉड 2 को लेकर ऑडियंस के बीच काफी बच बना हुआ है। हालांकि ऑडियंस ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड थी कि ओ माय गॉड 2 अपने समय पर ही रिलीज होगी या फिर इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मूवी 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो रही है सनी देओल की फिल्म गदर 2 के साथ ही। जब से इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, ऑडियंस इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि इस टीजर को ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिले थे, लेकिन हाँ टीजर में कुछ सीन ऐसा था जिसपे काफी ज्यादा विवाद हो गया था और इसी वजह से फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेज दिया गया था। सेंसर बोर्ड ने रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया था और रिव्यू कमेटी ने मेकर्स को इस फिल्म के 20 कट्स लगाने को कहे थे। हालांकि ऐसा सुनने में आया है कि इस फिल्म में कोई भी कट्स लगने वाले नहीं है, लेकिन हाँ इस फिल्म में बहुत बड़ा बदलाव किया जाने वाला है। तो दोस्तों ये बात आप सबको पहले से ही पता है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव के किरदार में नजर आएंगे, पंकज त्रिपाठी एक प्रोफेसर के किरदार में नजर आएंगे, वहीं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस यामी गौतम इस फिल्म में वकील का किरदार निभा रही हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पंकज त्रिपाठी तो प्रोफेसर के किरदार में नजर आएंगे, यामी गौतम वकील के ही किरदार में नजर आएंगे, लेकिन हाँ अक्षय कुमार के किरदार के साथ बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सबसे ज्यादा खुशी वाली बात तो यह है कि अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 बिना किसी कट के CBFC टेस्ट पास कर ली है। ये सुनकर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश है, मतलब कि अब मूवी अपने समय पर ही रिलीज होगी। लेकिन हाँ इस फिल्म में अक्षय कुमार को शिव के किरदार में नहीं बल्कि दूध के किरदार में दिखाया जाए। जी हाँ आपने सही सुना, सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को यह एडवाइस दी है कि फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव का रोल नहीं निभाएंगे, तो अब अक्षय कुमार दूध का किरदार निभाने वाले हैं। हालांकि उनका ये रोल भी काफी दिलचस्प होने वाला है। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि अब इसका ट्रेलर भी जल्द रिलीज किया जाएगा, लेकिन हाँ मेकर्स के पास सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। इस 10 दिनों में मेकर्स इस फिल्म के सॉन्ग और इसके ट्रेलर को भी रिलीज करेंगे। हालांकि अब ट्रेलर को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है, हो सकता है कि ट्रेलर इसी हफ्ते के लास्ट में आ जाए। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 की स्टोरी के बारे में बात करें तो ये फिल्म सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड होगी। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी प्रोफेसर का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि इस फिल्म में उनका एक बेटा भी रहता है और अपने बेटे के चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए अक्षय कुमार की एंट्री होती है। लेकिन अब कहानी में थोड़ा चेंजिंग हो गया है, अक्षय कुमार शिव के नहीं बल्कि दूध के किरदार में उनकी मदद करने के लिए हाजिर रहेंगे। अगर यामी गौतम के बारे में बात करें तो यामी गौतम इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस बार की स्टोरी काफी दिलचस्प होने वाली है। वैसे एक सवाल है जो मेरे मन में उठ रहा है और शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा, टीजर में हमने अक्षय कुमार को भगवान शिव के किरदार में ही देखा है, ऐसे में फिल्म में उनको दूध के किरदार में दिखाएंगे तो क्या मूवी पर कोई असर पड़ेगी या नहीं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी कि अक्षय कुमार का रोल अब कैसा होगा। वहीं खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की फिल्मों के बारे में बात करें तो पिछले साल अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं सब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। ऐसे में अक्षय कुमार को और ऑडियंस को उनकी फिल्म ओ माय गॉड 2 से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन ये मूवी भी विवादों में फंस गई थी। हालांकि इस मूवी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं क्योंकि बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 इस फिल्म के साथ रिलीज हो रही है। गदर 2 फिल्म को लेकर ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि एक बार फिर से सनी देओल पाकिस्तान जाएंगे अपना जलवा दिखाने के लिए, और इस बार की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इस बार सनी देओल अपने बेटे को बचाने के लिए जाएंगे। ऐसे में दोनों ही फिल्मों को लेकर ऑडियंस के बीच काफी बज बना हुआ है, लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि दोनों की जंग में कौन सी मूवी जीतती है। हालांकि दोनों मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी, जब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आएंगे तब जाकर पता चलेगी कौन सी मूवी ने बाजी मारी है। फिलहाल तो हम सब इसी बात से बहुत ज्यादा खुश है कि अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 11 अगस्त को ही थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो दोस्तों बताओ अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 या फिर सनी देओल की फिल्म गदर 2 किसको देखने के लिए थिएटर्स जाओगे, और अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 के ट्रेलर को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, फटाफट कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।